विश्वं दर्पण दृश्यमानं छिड़वाया, कामों से छिड़वाया, आग
से गिरवाया, समुद्र में डुबोया, पर्वत से गिराया, जिन्होंने कृत्या राक्षसी उत्पन्न करके मेरे लिए मारण का प्रयोग किया, यदि उनके प्रति मेरे मन में किंचित भी क्लेश की उत्पत्ति न हुई हो, मैंने उनको नुकसान पहुंचाने का स्वप्न में भी ख्याल न किया हो, हमारे हृदय में समता बनी रही हो, तो उस हमारी समता के प्रभाव से ये जीवित हो जाए और वो दोनों मरे हुए पुरोहित तुरंत जिंदा हो गए और प्रहलाद का प्रभाव, प्रहलाद का चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये होता है धर्म का, ये होता है सत्य का हृदय। चाहे कोई कितना भी अपराध करे, लेकिन भक्त के मन में उसके प्रति दुर्भाव उत्पन्न होता ही नहीं है। ये है प्रहलाद, ये है प्रहलाद का जीवन। जिस हृदय में भगवान रहते हैं, उस चित्त में यदि द्वेष, क्रोध, द्रोह, हिंसा की उत्पत्ति हो जाए तो आग लग जाएगी। संस्कृत भाषा में द्वेष को, क्रोध को आश्रयास बोलते हैं, आश्रय अश्नाति। जैसे आग जिस लकड़ी में रहती है उसी को जलाती है, आश्रयास यानी क्या है, जिस लकड़ी में लगी है, जिसमें जल रही है, जिसमें रह रही है, उसी को जला रही है। वैसे ये हमारे हृदय में जो द्वेष होता है, जो क्रोध होता है, जो द्रोह होता है, वो हमको ही जलाता रहता है। अब हमारा दिल तो हो गया भट्टी, उसमें जलने लगी आग। सच पूछो तो जिसके दिल में आग लगी हो, वो अपनी पत्नी के साथ हो तो क्या उसको पत्नी का सुख मिलेगा? उसके पास बहुत धन हो तो क्या धन के सुख का अनुभव होगा? वो फूलों की सेज पर सो रहा हो तो क्या फूलों की सेज का अनुभव होगा? जिसके दिल में द्वेष की, क्रोध की आग लग गई, उसका हृदय बन गया, भगवान भी उसमें होंगे तो छिप जाएंगे, उसकी आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त होगी, बनी रहे जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख उसका नष्ट हो जाएगा। तो भक्त के जीवन की यही विशेषता है कि उसमें किसी के प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं। विष्णु पुराण में प्रहलाद जी का बहुत बड़े ज्ञानी के रूप में चित्रण है वो प्रहलाद जी का, परंतु उनके ज्ञान में तन और त्व दोनों पदार्थों की एकता है, एकता का बोध। उन्होंने वेद शास्त्र के अनुसार पहले तत् अर्थात सत ब्रह्म का विवेक किया है और उन्होंने तत् अर्थात सूर्य ब्रह्म का विवेक किया है। उन्होंने तत् अर्थात नेत नेत से निषेध करने के बाद जो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है उसका विवेक किया है और फिर अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा को उस परब्रह्म परमात्मा से एक किया है, एक जाना है, एक अनुभव किया है। वर्णन है जिस समय पहाड़ों से समुद्र में डुबो करके और ऊपर से पहाड़ चुन दिए गए कि प्रहलाद इसमें से निकल न सके क्योंकि डर था फिर जिंदा हो जाएगा, तो उस समय समुद्र में पहाड़ों के नीचे बैठे बैठे प्रहलाद जी सोचते हैं। विष्णु पुराण सर्वगतवादरंतस्य सैवाहमवस्थितः तत्सर्वमहं सर्वं मयि सर्वं सनातने। अनंत परमात्मा सारी लंबाई चौड़ाई का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का जो कल्पित खंड खंड परिच्छेद है इसकी अत्यंत अभाव से अनुष्ठान है और ये जो
कल्पित खंड खंड काल है, भूत भविष्य वर्तमान, इनकी कल्पना के अधिष्ठान के रूप में परमात्मा स्थित है। जो इस कल्पना वृत्ति वाले अंतकरण का प्रकाशक है, वही कल्पित देश काल वस्तु का भी प्रकाशक है, क्योंकि ये सब के सब कल्पना के पेट में है। जिस वस्तु को भी अनादि और नित्य माना जाता है, वो वस्तु हमारे अंतकरण में कल्पित ही होती है, क्योंकि अनादि माने उसकी आदि न पा सकने के कारण उसके अनादित्व की कल्पना। जो नित्य है उसका आदि अंत न पा सकने के कारण उसके नित्यत्व की कल्पना। तो जो हमारे अंतकरण का प्रकाशक चैतन्य है, वही उस कल्पना का भी प्रकाशक चैतन्य है। इसलिए स एवाहम अवस्थित, मुझमें और उसमें भेद नहीं है। मैं प्रहलाद जी कहाँ बैठे हैं? समुद्र में पहाड़ों से चुने हुए, और जो उनका उद्गार निकला, मत्सक सर्वम, मुझसे सब प्रकाशित होता है। अहम सर्वम, मुझसे पृथक कुछ नहीं। जो कुछ मालूम पड़ रहा है तो मुझ सर्वाधिष्ठान स्व प्रकाशक चित वस्तु में। पहाड़ फट गए, समुद्र ने प्रहलाद को ऊपर उठाकर कर दिया, निकल गया प्रहलाद, आग में बैठाया गया प्रहलाद, उनकी बुआ लगती। और उसने अपने भाई से कहा कि भाई आप बहुत परेशान हैं, हमको डरना है कि हम आग में बैठे तो हम जलेंगे, तो हम प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाते हैं, आप आग में बुआ कर प्रहलाद जल जाएगा, हम बैठ जाए, हमारा बाल भी बाका नहीं होगा। आग में बैठे लेके प्रहलाद को आग में बुआई देंगे, भगवान आग जली, गुंडा तो जल गई। ये भोला किसे होलिका जलाते हैं, उसकी एक कथा ये भी है। लाल मोहन राक्षसी थी और वो प्रहलाद को गोद में लेके बैठी थी, आग लगाई गई तो वो होला वो गुंडा वो तो फूल के होला बन गई, चरण का देते होला होता है, वो तो जल गई और प्रहलाद बन गए। चरण करते तुमने पूछा, अरे प्रहलाद तेरे अंदर क्या चमत्कार है? बोले राम नाम जपताम कुतो भयम्, सर्वताप शमनैक देशनम्, पश्य ताप मम गात्र संनिधौ, पावकोऽपि सलिलायते वेदना। पिताजी जिनके मुख में राम नाम है उनके लिए भय कहाँ है? ये तो जितने भी ताप हैं संसार के आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक, मन की उथल पुथल से संताप है, बिजली गिरने से संताप है, आग लगने से संताप है, सारे संताप शांत हो जाते हैं भगवान के नाम का उच्चारण करने से। आप देख लीजिए ना अपनी आंख से, बस ये तात मम गात्र सन्निधौ, पावको भी सलिलायते सुना। देखो पिताजी, मेरे शरीर के पास आकर ये अग्नि भी पानी बन जाता है। राम नाम जपताम, राम नाम जपताम तो भयम्, सर्पताप समनई जो भेषजम, पश्यताप मम गात्र धन्यो, भावको की सलिलाय दे धुना। पिताजी देखो चमत्कार भगवान के नाम का प्रत्यक्ष, मेरे शरीर के पास आकर आग भी पानी बन जाती है। प्रहलाद के जीवन में एक नरसिंह पुराण स्वतंत्र, विष्णु पुराण में बहुत सारी कथाएं हैं, प्रहलाद की जीवनी बहुत बड़ी है विष्णु पुराण में, नरसिंह पुराण अलग। प्रहलाद के जीवन की एक घटना जो हम आपको प्ररोचित करते, प्ररोचित माने आपके मन में पुराणों के पाठ की श्रवण की अभिरुचि जागृत हो,
हमने आजकल की बहुत सारी कहानियां भी पढ़ी है ना, ऐसे बोलना नहीं चाहिए अपने बारे में, अपने बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमने रविंद्र बाबू की, गुरुदेव की, ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर की सब कहानी, सब किताब, शरद बाबू की, प्रेमचंद की, टॉलस्टॉय की, टॉलस्टॉय की सब कहानियां पढ़ी थी जितनी हिंदी में उपलब्ध है। और आजकल जो माया में छाया में मनोहर कांड फिर भी कहानियां भी सकती है, वो भी हमारी दृष्टि से गुजर नहीं देते, मैं जानता हूँ उनके बारे में, लेकिन पुराणों में जिस ढंग की मनोवैज्ञानिक और जीवन के सत्य को स्पर्श करने वाली कहानी है, वैसी आज कहीं भी वैसी कहानी देखने को नहीं आती है, हमारी दृष्टि से गुजर नहीं देते, मैं जानता हूँ उनके बारे में, लेकिन पुराणों में जिस ढंग की मनोवैज्ञानिक और जीवन के सत्य को स्पर्श करने वाली कहानी है, वैसी आज कहीं भी वैसी कहानी देखने को नहीं आती है। प्रहलाद के पुत्र थे, उनका नाम था दुर्योधन, ये कथा पुराण में है। और जो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, उनके पुत्र थे कच्छ, दोनों कहीं चरण कर रहे थे, विहार करते करते एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ एक बड़ी सुंदरी कन्या कुमारी, युवती, युवती कुमारी तपस्या कर रही है, बड़ी सुंदर, स्वस्थ, सुशील और धर्म में निष्ठा रखने वाली। दोनों ने जाकर उससे याचना की कि तुम हमारे साथ विवाह करो। प्रहलाद के पुत्र दुर्योधन ने कहा तुम मेरे साथ विवाह करो, मैं महाराजा विराज प्रहलाद का पुत्र हूँ, उत्तराधिकारी, और मैं ही विश्व सृष्टि का राजा होने वाला हूँ, और हमारा राज्य भी कैसा है देखो, हमें मरने का डर है, स्वयं भगवान ने वरदान दे दिया है प्रहलाद को कि हम तुम्हारे वंश को अपने हाथ से नहीं मारेंगे, मैं तो निर्भय, मरने का डर नहीं, और हमारे बाप की जो गद्दी है वो गद्दी भी तुम ये मत समझना कि दैत्यों की गद्दी है, क्योंकि हिरण्यकशिपु को मारकर नृसिंह भगवान बदले प्रहलाद को नहीं बैठाया गद्दी पर, हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर प्रहलाद को नहीं बैठाया, स्वयं जाके बैठे, स्वयं जाके बैठे तो वो असुर की गद्दी नहीं रही, असुर का सिंहासन मिला, भगवान का प्रसाद हो गया, उस भगवान के प्रसाद के उत्तराधिकारी है प्रहलाद, और मैं प्रहलाद का उत्तराधिकारी विरोचन, और मैं सब देवताओं से श्रेष्ठ, तुम मेरे साथ विवाह करो। कच्छ ने कहा कि मैं देवताओं के गुरु जो सबसे बड़े विद्वान हैं वेद शास्त्र के और पवित्र आचरण वाले महात्मा हैं, तत्वज्ञानी हैं, उनका पुत्र कच्छ हूँ, और मुझसे श्रेष्ठ तो सृष्टि में और कोई नहीं है, तुम मेरे साथ विवाह करो। कुल बाबा, इस लड़की का नाम था केशिनी, कुमारी का नाम था केशिनी, केशिनी माने उसके केश बड़े सुंदर थे, केशिनी माने विशिष्ट केशवती, उसके केश विशिष्ट थे, विशिष्ट केश। एक मुंबई में श्रीमती जी मेरे पास आई थी और 10-15 वर्ष की बात, उन्होंने कहा स्वामी जी हमारे जैसा बाल आपने कहीं देखा है? मैंने कहा नहीं, सब अपना जूड़ा बांधे हुए खोल कर मेरे सामने, अभी वो हैं, खोल दिया जब वो चली धरती पर तो उनके जो बाल थे वो धरती पर सटते हुए इतने बड़े बड़े बाल थे और काले काले, नहीं बाबा हमने समझे कभी ऐसा बाल नहीं देखा है। तो हमारा अनुमान है कि केशिनी का अर्थ होगा बंगाल की अनुमान, क्योंकि खाजा बाजा केश ये है बांग्लादेश, छप
पर वहाँ बहुत बढ़िया बनाते हैं, बढ़िया संगीत में बहुत निपुण होते हैं, और केश जो होते हैं बंगाली स्त्रियों के वो बहुत कोमल और घने और महीन घुराले और चिकने, बहुत बढ़िया केशिनी थी वो, केशिनी पर बहुत बुद्धिमती थी। उसने कहा कि देखो हम विवाह करने के लिए सोचे जा रहे हैं, पर हमारा संकल्प ये है कि जो श्रेष्ठ हो उससे विवाह करें। तो तुम दोनों अपने को श्रेष्ठ बता रहे हो, तुम श्रेष्ठ ये श्रेष्ठ, तो ये निश्चय हो जाए कि कौन श्रेष्ठ है उसके साथ में विवाह करें। श्रेष्ठ है ये वो, केवल चमड़ी की श्रेष्ठता श्रेष्ठता नहीं होती, श्रेष्ठता तो सद्गुण से होती है, सद्भाव से होती है। तो अभी तय करते हैं, दोनों में हुआ विवाद और निर्णायक बनाए गए प्रहलाद, दोनों ने माना कि जो प्रहलाद निर्णय करेंगे तो ठीक है, और शर्त लगी ये कि जो श्रेष्ठ होगा, जो श्रेष्ठ होगा उसके साथ विवाह होगा, और जो कनिष्ठ होगा उसका फिर काटा जाएगा। जब ये न्याय करने के लिए प्रहलाद के सामने पहुंचे तो कच्छ को देख के प्रहलाद उसके खड़े हो गए, ब्राह्मण देवता विद्वान बृहस्पति के पुत्र आओ सिंहासन पर बैठो। विरोचन ने कहा पिताजी मैं तो बोले मुझसे बृहस्पति श्रेष्ठ है और तुमसे कच्छ श्रेष्ठ है, हमारा सिर कट जाएगा। तो ये हम नहीं जानते, हम तो न्याय करते हैं, ये न्याय है। प्रहलाद ने न्याय किया, अब विरोचन का सिर कट जाए बेटे का। जब निर्णय हो गया कि इसका सिर कटेगा और साथ कच्छ का विवाह होगा, तब उन्होंने विरोचन का गर्दन पकड़ी और ले जाके कच्छ के पांव पर डाल दिया। देखो ये मैं अपना बेटा तुमको समर्पित करता हूँ, तुम चाहे इसका सिर काट दो चाहे जिंदा रख दो, ऐसी पुराण देखता है। और कच्छ ने कहा कि तुम इतने न्यायनिष्ठ इतने धर्मनिष्ठ अपने पुत्र का भी पक्षपात नहीं करने वाले, यदि तुम्हारा पुत्र मर जाएगा इस प्रसंग में तो संसार में फिर कोई धर्म नहीं करेगा, न्याय नहीं करेगा, न्यायनिष्ठ नहीं होगा, इसलिए हमेशा धर्म की न्याय की रक्षा हो इसके लिए मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान, ऐसे न्यायनिष्ठ थे।